निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के बावजूद मासिक पैसा वसूलने के विरोध में आज निजी स्कूल अभिभावक संघ सिवान के तरफ से जिलाधिकारी के नाम एक पत्र लिखा गया है, जिसमें स्कूल बंद होने के बावजूद निजी स्कूल द्वारा विभिन्न तरीकों से अभिभावकों से पैसा मांगने का आरोप लगाया गया है। संघ के तरफ से मांग किया गया है कि जिला प्रशासन अप्रैल और मई माह का पैसा मांगने पर रोक लगाए। ये अभी वर्तमान लॉकडाउन पीरियड में विभिन्न प्राइवेट स्कूलों द्वारा सिवान जिले में जो है मनमानी रूप से जो सर पेरेंट्स से पैसे वसूले जा रहे हैं फीस के नाम पर और विभिन्न तरीके से, जो कि गैरकानूनी है और ये लॉकडाउन का पूरा उल्लंघन है और इसके लिए कानूनी जो है सो कार्रवाई भी की जा सकती है। इसीलिए हम लोगों ने डीएम साहब को ये हम लोगों ने दिया है आवेदन और उनके माध्यम से बिहार सरकार को भी हम लोग ये अवगत कराना चाह रहे हैं, इसमें जो है अविलंब कार्रवाई की जाए ताकि जो है सो बच्चे जो है सो मानसिक रूप से जो है सो और गार्जियन सब प्रताड़ित हो रहे हैं। स्कूल फी के खिलाफ लोगों ने ज्ञापन दिया है। हाँ जी, देखिए ये कल जिलाधिकारी महोदय को हमारे माननीय जो ये निजी स्कूल अभिभावक मंच है उसके द्वारा, उसके संयोजक के द्वारा एक आवेदन जो है जिलाधिकारी को दिया गया और उसकी प्रतिलिपि हम लोगों ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो दो महीना से सरकार के पूरे देश में लॉकडाउन है और उस स्थिति में विद्यालय बंद है, विद्यालयों के सारे बिल्डिंग क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, उसमें बच्चों से फी लेना और उसके अलावा जो क्लास प्रमोट किया है इन लोगों ने, उस क्लास प्रमोशन में भी इन्होंने अलग अलग इनरोलमेंट की, कहीं कहीं जो है उसको री एडमिशन के नाम पे तो नहीं लेकिन इनरोलमेंट फ़ी के नाम पे लेते हैं, उसके बाद एनुअल फ़ी के नाम पे लेते हैं, कुछ मिसलेनियस फ़ी के नाम पे लेते हैं, इस तरह से करके एक ह्यूज अमाउंट जो 5,500 से लेकर 7,500 तक पड़ता है वो अमाउंट इन लोगों ने चार्ज किया है अभिभावकों से और दो महीने का फ़ी चार्ज किया है, जो बिल्कुल अमानवीय है और ये नहीं होना चाहिए। देश के कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह का कदम उठाया है और उन्होंने नहीं किया है। सिवान में भी एक पाटलिपुत्र जो स्कूल है जो हमारे माननीय सदर विधायक उसके संरक्षक हैं, उस विद्यालय ने भी तो मानवता को ध्यान में रखते हुए अपना दो महीने का फी एग्जेम्प्ट कर दिया है और उन्होंने पत्र भी निकाला है, जबकि बाकी विद्यालयों द्वारा जल्दी जल्दी फी वसूली का काम चल रहा है और किताबें जी जो बच्चे फी नहीं दे रहे उनको किताबें नहीं दी जा रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी को ये पत्र दिया है कि थोड़ा विलम्ब कार्रवाई करते हुए इसको देखा जाए। अभिभावकों को एक नोटिस दी जा रही है कि आप अविलंब फीस जमा करें, जबकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने निवेदन किया है कि इन दो महीने का फीस आपको नहीं लेना है। ऐसी स्थिति में ये लोग डिफरेंट नाम से डिफरेंट मद में पैसा जोड़ के दूसरे दूसरे नामों से और ये अवैध वसूली करने का गार्जियन पर लोग दबाव बना रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोगों ने रजिस्ट्री के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस आलोक में एक तत्क्षण तुरंत एक निर्णय लेवें और स्कूलों को निर्देश देवें कि वो जो दो महीने का फीस उन लोगों ने जो चार्ज किया है उसको वापस ले लें। हम लोग अप्रैल और मई मार्च तक का फीस तो वो लोग ले चुके हैं, री एडमिशन के नाम पे भी पैसा लिया जा रहा है। यहाँ डिफरेंट नाम से री एडमिशन, किसी किसी विद्यालय में री एडमिशन नहीं करके मिसलेनियस चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उसका मैंने उसका स्वरूप वही है और ये नाजायज है, अवैध है और सरकारी आदेश का उल्लंघन है। क्या माना जाए आपदा की घड़ी में जहाँ लॉकडाउन ऐसे में लोगों को खून चूसा जा रहा है, जहाँ पूरा देश इस संकट से जूझ रहा है, 250 से ज्यादा देश से इससे प्रभावित है, चारों तरफ महामारी मली हुई है, आपको आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो चुकी है, आम आदमी त्रस्त है, वैसी स्थिति में हमारा निवेदन है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि ये स्कूल वाले, विद्यालय वाले, निजी विद्यालय वाले कम से कम सहानुभूति पूर्वक अपना एक विचार करें और जो दो महीने का फीस है अगर ले लिए हैं तो अभिभावकों को अविलंब वापस करें और इसके अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से इसका निवेदन किया है।